इधर बैठिए ना, जी हाँ, आपने देखा कि कैसे भवन निर्माण विभाग के कर्मचारी एक दूसरे पर टूट पड़े। किसी ने गालियों की बौछार की तो किसी ने डंडों को हथियार मानकर हमले की कोशिश की। इस बीच कई कर्मचारी इनके बीच बचाव में भी आए, लेकिन खून गर्म था। मामला इतना जल्दी कैसे शांत हो जाता? दरअसल ये पूरा मामला कटिहार के भवन निर्माण विभाग का है, जहाँ इस पूरे मामले के पीछे टेंडर विवाद है। लेकिन भवन निर्माण विभाग के अधिकारी इसे कर्मचारी और संवेदक के बीच पुराना विवाद बताकर अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। वहीं संवेदक टेंडर में अधिकारियों की मनमानी का आरोप लगा रहे हैं। संवेदक की माने तो अधिकारियों और कर्मचारियों को विकास से कोई मतलब नहीं है, और वो कई नामों से टेंडर भर, कागजी कोरम पूरा कर, ठेकेदारी कर मोटी आमदनी में जुटे हैं, जिससे आम संवेदकों का जीना हराम हो गया है। हम गए थे अपना SD मांगने के लिए। मैं 12-13 का SD में फंसा हुआ था, वह मांगने गए थे। प्लस मेरा कुछ NSTD फंसा हुआ, वो भी गए थे। कुछ एस्टीमेट वगैरह था तो अपना मांगने गए थे केशव बाबू के पास जी। इतने में प्रताप जी हमको मिले, तो प्रताप जी को हम कहे, भैया फलना फलना क्वार्टर में हम काम किए हुए हैं, तो आप कैसे हाथ लगा दिए? प्रताप जी क्या है? प्रताप जी वहाँ का थी, क्या कहते हैं, चपरासी हैं। अच्छा, तो ठेकेदार भी हैं क्या वो? हाँ, वो ठेकेदारी भी करते हैं। अच्छा, कहाँ अभी काम कर रहे हैं वो? ओ, D9 में कर रहे हैं, कोर्ट परिसर में भी कर रहे हैं। अच्छा, तो क्या हुआ जब फिर क्या हुआ उसके बाद? तो इसके बाद वो लगे हम काम करेंगे, तुम हमारा पेमेंट भी नहीं हुआ था भैया। हाँ, हम काम किए थे। आपने उस जगह काम कर चुका है? कर चुके थे। हाँ, सर्टिफिकेट भी हमको दे के गए हैं। हाँ, जो सर रहते थे उसमें सर्टिफिकेट भी दिए हैं। कितना का काम कर दिए हैं? 84 को अनुमानित याद नहीं है भैया। फिर भी अप्रोक्सीमेट क्या था वो हमको याद नहीं है। अच्छा, तो आप काम कर दिए, उसके बाद फिर आप वही काम कर रहे हैं उसी जगह? वही काम, अफसर चेंज हुए, एक महीना के बाद अफसर चेंज हो गए, तो काम करने के लिए चले गए। इसी बात पर पूछे तो वो गाड़ी को लोज करने लगे। समस्या ही नहीं होता है। अगला आया कार्यालय में और गाली गुप्ता देना शुरू किया, घंटा वही ले करके किया। बाद में जब हमारा हल्ला होगा तो घंटा उठा तो गाली दे करके बाहर आओ, ही करो, मार देने गाली किए हमारा, समझे को नहीं। उस तरह का अनाप शनाप जो किया। कटिहार भवन निर्माण विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर राकेश रंजन का कहना है कि इस हंगामे ने विभाग की छवि धूमिल कर डाली है। उन्होंने आरोपी कर्मचारी को शो कॉज नोटिस के अलावा DM SP को पूरी घटना की रिपोर्ट भेज दी है और संबंधित सहायक थाना पुलिस को भी आगे की कार्यवाही के लिए अवगत करा दिया है। वीडियो वायरल होने के बाद मामले को संज्ञान में लेते हुए अब जाँच की तैयारी शुरू कर दी गई है। वहीं अब ये देखना है कि क्या ये वास्तव में टेंडर विवाद है या इस विवाद को दबाने के लिए इसे पुरानी रंजिश बताकर नया मोड़ दिया जा रहा है। पंजाब केसरी के लिए कटिहार से राजीव कुमार की रिपोर्ट।